अगर आप एक डॉग लवर है तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, द अल्टीमेट चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज ये रहा हमारा रोमियो, और आज रोमियो ने कुछ ऐसी गड़बड़ कर दी है जिसकी वजह से इसको और मुझे दोनों को डांट पड़ेगी। आप देख सकते हैं इसने घर का क्या हाल किया है। अभी मैं पेंटिंग कर रहा था तो वहाँ से ये मेरे पेंट बॉक्स में से कुछ पेंट ट्यूब उठा के ले आया और उसने पूरी तरीके से इसको चबा दिया है, ये ढक्कन वगैरह सब चबा दिया। और सबसे बड़ी हालत तो रोमियो की हो रही है। अब देख सकते हैं इसने अपने हाथ पैर पूरे ग्रीन कर लिए हैं, पूरा पेंट को चबाते वक्त अपना मुंह ग्रीन कर लिया है पूरी तरीके से। अभी हम इसको नहलाएंगे, पेंट तो उतर जाएगा। और जो लोग सोच रहे हैं पेंट की वजह से इसे कुछ एलर्जीज ना हो जाए, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि ये नॉन टॉक्सिक पेंट है। तो अभी जो मैं पेंटिंग बना रहा था मैं दिखाता हूँ आपको। तो YouTube वीडियोस बनाने के साथ साथ मैं कुछ पेंटिंग भी बनाता हूँ, तो ये रहा उसका कुछ डेमो। अभी ये पूरी तरीके से बना नहीं है, इसमें बहुत सी एडिटिंग करनी, डिटेल्स वगैरह अभी बनाना बाकी है, इस पोर्शन को भी बनाना थोड़ा बाकी है, और यहाँ पे थोड़े हाईलाइट वगैरह करने हैं। तो यहाँ पे मेरा पेंट का पैलेट पड़ा हुआ है और नीचे पेंट बॉक्स है, इसी में से कुछ एक उठा के लेकर गया है रोमियो और पूरी तरीके से चबा दिया है। तो दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले हम स्कूबी और रोमियो दोनों को ही संजय गांधी एनिमल केयर सेंटर लेकर गए थे वैक्सीनेशंस लगवाने के लिए। तो ये रहा स्कूबी का, हमने इनको 7-in-1 वैक्सीन लगवाया है जिसमें बहुत से वायरसेस आ जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं डिस्टेंपर वायरस, अडीनो वायरस, पार्वो वायरस वगैरह जैसे बहुत सी चीज़ें हैं। और रोमियो को दो इंजेक्शन लगे हुए हैं क्योंकि दोनों को हम साथ लेकर गए थे, तो स्कूबी के उस टाइम लूज मोशंस हो रहे थे तो उसको इंजेक्शन लगे नहीं। तो अभी हमने दोबारा 11 तारीख को जाना है इनको वैक्सीन लगवाने। तो जब भी आप अपने डॉग को कभी वैक्सीन लगवाने जाए तो ध्यान रखिए कि ये पर्ची चिपका के दे आपको और डेट लिख के दे, नेक्स्ट डेट को कब आना है आपको, जिससे आपको थोड़ा हेल्प मिलेगा। और इसके ऊपर सारे वायरसेस वगैरह लिखे होते हैं जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा वैक्सीन लगा है उसको। तो अभी मुझे रोमियो को नहलाना पड़ेगा अच्छी तरीके से, और पूरे घर में भी पोछा लगाना पड़ेगा, सफाई करनी पड़ेगी इसकी वजह से। रोमियो ना, ये मैं उठा के रख लेता हूँ इससे पहले कि अपने ऊपर और पेंट लगा ले। तो दोस्तों, ये रही मेरी वो पेंटिंग जो भी पूरी तरीके से बनी नहीं है, अच्छी लग रही है वैसे।